हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय इलेक्ट्रिकल पॉइंट पर। और आज हम आपको बताने वाले हैं टू वे स्विच का कनेक्शन, एक बल्ब एक पंखे को आप दो बोर्ड से कैसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ये कनेक्शन बताने वाला हूं, तो बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिल लाइन है और यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट के तार हैं 1 mm का। इसमें तो ब्लैक हरा टाइप मारा हुआ ये पंखा और एक बल्ब का पॉइंट है। इसी पॉइंट को हम लोग स्विच टू वे स्विच के कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 मॉडल का बोर्ड है और यहाँ पे हमारा सारा पॉइंट और पावर का लाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पंखा है, इसको कनेक्ट करेंगे हम, और एक बल्ब का है जो दीवार में, इसको हम यहाँ से टू वे स्विच का कनेक्शन में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 मॉडल है और 6 मॉडल है। यहाँ पे बेड लगेगा तो बेड के पास एक स्विच टू वे स्विच लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम आपको टू वे स्विच लगा के दिखाएंगे कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है, बहुत ही आसानी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। ये एक बल्ब है, इसको हम लोग करेंगे, और एक पंखा है, इसको हम लोग टू वे स्विच में कनेक्शन करेंगे। देख सकते हैं यहाँ से होते हुए ये 12 मॉडल के बोर्ड में ये कनेक्ट तार गया है डायरेक्ट, और इसी से लूप हो गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 तार, ये मेन लाइन का है, फेस न्यूट्रल बॉडी इन्वर्टर, और 2 है पॉइंट का। यहाँ पर 12 मॉडल के बोर्ड हैं, इसमें हमारा मेन लाइन है और बाकी पॉइंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला जो है, हम कुछ थोड़ा सा पावर का कनेक्शन कर लेते हैं इस बोर्ड में सॉकेट के लिए। तो यहाँ पे जो पहला ब्लैक वायर है ये हमारा न्यूट्रल का है, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं सॉकेट में। सॉकेट के इन पॉइंट जो होता है न्यूट्रल इन, इसमें मार्क लगा हुआ रहता है, इसमें हम इसको ज्वाइन कर देंगे जो भी है। तो यहाँ पर हम इसको सॉकेट में आपको फिक्स कर दिए तार को। ये हमारा यहाँ से एक तार ब्लैक वाला यहाँ टू वे स्विच के कनेक्शन में जा रहा है। इसके कनेक्शन में आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा किस तरीके से हो रहा है। ये हमारा जो रेड वायर है ये लाइन लाइव वायर, इसको गर्म हम लोग बोलते हैं, ये लाइव वायर, इसको हम लोग कनेक्शन कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आप कनेक्शन बहुत ही आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ ये हमारा ये बॉडी अर्थ का है वायर है, इसको हम लोग बॉडी अर्थ के सॉकेट के जो बॉडी अर्थ पॉइंट होता है ऊपर वाला हिस्सा, उसमें हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। बॉडी अर्थ का भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा अगले वीडियो में, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगा और अच्छे अच्छे नॉलेज आपके साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो पीला वाला वायर है ये हमारा इन्वर्टर का है, जो हमारा एक बल्ब एक पंखा इन्वर्टर से टू वे स्विच में कनेक्ट हो जाएगा। इन्वर्टर से ही हमारा बल्ब पंखा दोनों तरफ से काम करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लैक ग्रीन टेप मारा हुआ है, इसमें एक पंखा एक बल्ब का है, और इसमें पंखा का भी हमने मार्किंग कर चुके हैं और एक बल्ब का भी हमने मार्किंग कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पंखे का एक वायर हमने रेगुलेटर में जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया, इसको हम लोग टेपिंग कर देंगे। ये हो गया एक पंखे का, और ये दूसरा वाला वायर हम आपको चल जाएगा टू वे स्विच में डायरेक्ट। रेगुलेटर से यहाँ से एक होके वायर यहाँ पे आपका टू वे स्विच में कनेक्ट हो गया है। टू वे स्विच का कनेक्शन और भी है, और भी बहुत सारे तरीके से कनेक्शन किया जाता है, ये मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्ब का पॉइंट है, इसको हम लोग टू वे स्विच में बीच वाले टर्मिनल पे हम लोग इसको लगा देंगे। देख सकते हैं आप बीच वाले पॉइंट पे, यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। और नीचे में हमारा दोनों जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर में गर्म इन्वर्टर का जोड़ गया है और बीच से होते हुए हमारा पंखे का निकला है, और एक बल्ब का है बीच से, और नीचे में हमारा न्यूट्रल है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक वाला वायर नीचे न्यूट्रल जा रहा है, ऊपर गर्म है। और बाकी हम अपना अपना पॉइंट जो है जिसमें स्विच में है उसको हम कनेक्ट कर देंगे। वायर को ज़्यादा बड़ा ना रखें और ज़्यादा छोटा भी नहीं रखें, मीडियम साइज रखें, जिससे बोर्ड आसानी से खुल जाए और तार छोटा भी ना हो। बढ़िया तरीके से छील लेना है वायर को और इसको सब में स्विच में अपना लगा देना है, और बाकी हम अपना स्विच का पूरा कनेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जिसको हम लोग सिर्फ लाइन से रखना चाहेंगे उसको लाइन से रखेंगे, और जिसको हम लोग इन्वर्टर से रखना चाहेंगे वो इन्वर्टर से भी कर सकते हैं।
इसमें हमने चार स्विच, पांच स्विच है और दो टू वे स्विच है, एक इंडिकेटर है। तो इसको हमने दो स्विच को, टू वे स्विच को हमने इन्वर्टर से कर दिया है, बाकी सब सारा जो है लाइन से ही रहेगा। लाइव वायर यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से कनेक्शन आप कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें हमारे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आप सारा कनेक्शन कर सकते हैं। टू वे के साथ साथ बहुत कुछ कनेक्शन भी आप इसमें, इस वीडियो में सीख सकते हैं। कलर बाय कलर अगर आप मेन लाइन तार वायर दौड़ाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको कनेक्शन कर लेंगे। एक ही तरह का कलर का वायर रहेगा तो नए जो काम करने वाले हैं उसको परेशानियां आ सकती है, दिक्कत हो सकती है इसमें। ये हमारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लास्ट कनेक्शन पॉइंट जो है इसमें हम लगा रहे हैं। ये हमारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। दो टू वे स्विच है, एक इंडिकेटर है, पांच हमारा स्विच है नॉर्मल, एक डमी लगा हुआ है। अब यहाँ से हम आपको छः मॉडल के बोर्ड में कनेक्शन करके दिखाएंगे। इसमें चार जो है हमारा मिलन है और एक दो है जो हमारा पंखे या बल्ब का पॉइंट है। इसमें चार वायर में हमारा फेस, न्यूट्रल, बॉडी अर्थ और इन्वर्टर है। ये दो तार ये बल्ब और पंखे का है, इसको हम तार लंबा है तो उसको कटिंग कर लेंगे थोड़ा। और ये हमारा देख सकते हैं बोर्ड है जिसमें एक सॉकेट, एक स्विच और दो टू वे स्विच लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं पहले से भी कनेक्शन हमारा किया हुआ है, दोनों में शॉर्ट मारा हुआ है, जिसमें एक तार लाल वाला लंबा है वो न्यूट्रल है में कनेक्ट हो जाएगा और ऊपर में शॉर्ट मार के छोड़ा हुआ है उसमें गर्म वाला वायर चला जाएगा। ये बीच वाले में हम ये पंखे का डला रहा है, अभी देख सकते हैं। और ये भी दूसरा वाला जो है ये हमारा बल्ब का कनेक्शन यहाँ पर चला रहा है, देख सकते हैं आप। और ये जो है ये बीच में कनेक्शन हो गया, ये लाल वाला जो वायर है ये हमारे न्यूट्रल में कनेक्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, हम लोग सॉकेट में उसी तरह से कनेक्ट कर देंगे। और ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पे बचा है इन्वर्टर, लाइन और बॉडी अर्थ, सबको हम लोग तार को मीडियम साइज के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद सबको वायर को छील लेंगे और उसके बाद एक एक करके सबको कनेक्ट कर देंगे बोर्ड में। उसके बाद हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये हम आपको सॉकेट में पावर दे रहे हैं, ये लाइव वायर है, लाइन रेड वाला, ये हमारे ब्लैक ब्लू येलो कलर का है वायर है, इसमें हम इन्वर्टर का कनेक्शन डाल देंगे। जो ब्लैक वाला वायर बचा है ये हमारा बॉडी अर्थ का है, इसको सॉकेट के बीच वाले ट्रायंगल पे हम लोग लगा देंगे। इसको कनेक्शन करके बॉडी अर्थ का वायर जो है इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देना है बीच वाले ट्रायंगल पे सॉकेट के, अभी देख सकते हैं इस तरीके से करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे वीडियो को लाइक कर देना।
मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।